के लिए है? क्यों, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं। अब क्या बचा बेटा तेरा? मैं लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर वर्गे तो ले गई है बेटा, और क्या ले जाएगी? मेटाडोर में कपड़े थे मेरे, मेरा सामान था, बाकी और क्या ले गई हूँ? और क्या ले जाना है तो ये तो बता दे। मेरी मेरे प्लॉट के पैसे हैं, वो मेरे पति की प्रॉपर्टी, और मेरा गोल्ड है शादी का। हाँ हाँ वो चाहिए। तो वो तो तेरा गोल्ड शादी का तो तेरा नहीं है बेटा वो। हाँ मेरा नहीं है ना, मथुरा वाला घर मैं लूंगी और जो आपके पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। मथुरा वाला घर मैं लूंगी, जो आपके पैसे उसमें होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे निपटारा होगा इसका? तू कह रही है मैं लूंगी, मैं कह रहा हूँ मैं लूंगा। तो आपने पहले बोली थी ना कि तू ले लियो, फिर एकदम से आपको एकदम क्या हो गया कि नहीं वो तो मैं लूंगा? एकदम से क्या हुआ था आपको? अब बेटा आदमी कभी पागलपन में कुछ भी बोल देता है ना। वो पागलपन पापा जी, एक सेकंड में समझ नहीं आता कि वो पागलपन था या क्या था। पागलपन वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। आपके पास तो खुद घर है ना वहाँ पे? कहाँ पर? शिवपुरी में। वो आपका ही तो घर है, और किसका है? अब तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर में। मैंने ग्वालियर में ले लिया कि रेंट पे? रेंट पे के ले लिया है मैंने, मेरा घर हो गया ये। रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं ये सब बातें? हाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड है पूरा। बोलो आप अपनी पक्ष भी रखो, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं कटेगी, कोई चीज नहीं कटोगी। आपको अगर लगता है कुछ अपना पक्ष रखो, और वीडियो बनवानी वो भी रखो, पक्ष रखो। ये शॉर्ट क्लिपिंग आपने सुन ली होगी, ये क्लिपिंग जो 2 दिन पुरानी है, और ये फोन रिकॉर्डिंग है। ये फोन जो सपना ने किया था अपने ससुर को, और अपना हक लेने के लिए उनको फोन किया था। अब आप इस बातचीत को ध्यान से सुनिए, इसमें वो पूरे तरीके से बेटा बेटा कह के बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंड कहीं पे भी नहीं बदला है। जो स्टैंड पहले था वो स्टैंड आज भी है। वो पहले भी उसको कुछ नहीं देना चाहते थे, और आज भी बेटा बेटा कह के लेकिन देना कुछ नहीं चाहते हैं। बजाय इसके कि उसको कहें कि भाई तेरे को क्या चाहिए, वो चीज़ें जो तेरी हैं वो मैं दे देता हूँ, वो सीधे सीधे उससे पूछ रहे हैं अब तेरे को क्या चाहिए। अब तो सब तो ले गई है, तो अब तेरे को क्या चाहिए? और फिर उसके बाद में सपना को आखिर का जवाब देना पड़ता है कि मैं क्या लेकर गई हूँ यहाँ से आपका। अब उनका पक्ष देखिए, कह रहे टेम्पो भर के तो तू यहाँ से लेके गई है। अच्छा वो क्या लेकर गई है ये तो आपने सबने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे उसके, कि उसके घर में क्या क्या है। वो कपड़े लेकर आई है, क्या क्या चीज़ें लेकर आई है, मंदिर लेकर आई है, स्कूटी लेकर आई है, जो चीज़ें उसको प्रमोशन में आती थी वो सारी चीज़ें लेकर आई है, कुछ बैग्स हैं, कुछ बच्चों के टॉयस हैं। अब अगर इतने सामान को अगर वो ये कह रहे हैं कि तू सब कुछ ले गई है, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। और इस 3-4 दिन में उनकी सोच बिल्कुल नहीं बदली। जैसा कि सपना कह रही है कि भाई मेरे को लगता था शायद आईना होता है ना, तो आईने के सामने आदमी कम से कम खुद को देखता है और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास होता है, पर इन सब से तो नहीं लग रहा कि कहीं पे भी कोई गलतियों का एहसास है, या अब और तब में कोई भी अंतर आया, कैसा भी कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा इसमें। तो यहाँ तो वो क्लियर कट उससे कहलवाना चाह रहे हैं कि बता ना तेरे को तेरा क्या सामान है, तेरे को क्या चाहिए, तू लिस्ट बना के भेज दे, हम तेरे को भेज देंगे। तो वे सपना ने पूरी तरीके से ओपनली बात करी कि मेरे को मेरा प्लॉट चाहिए जो कि मेरा मथुरा वाला था, और ईमानदारी से जितने पैसे आपके पड़े हैं वो मैं पैसे आपको वापस कर दूंगी उसके। मेरे को मेरा प्रॉपर्टी में हक चाहिए, और साथ साथ मेरे को गहने भी चाहिए। और गहने के नाम पे तुरंत ही वो ये बोलते हैं बेटे गहने तो नहीं है तेरे, वो तेरे नहीं है। सपना कन्फर्म करने के लिए पूछती है कि वो गहने मेरे नहीं है, वो कहते हैं ना बेटा वो तो तेरे नहीं है। अब आप ही बताइए कि शादी के बाद में जितने भी गहने होते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है, यानी कि वो उसी का होता है। कायदे में तो जो उसको मुंह दिखाई और ये सब चीज़ें मिलती हैं उसमें जितना भी गिफ्ट मिलता है, जितना भी पैसा मिलता है, वो उसका ही धन होता है, यानी स्त्री धन ही होता है। नॉर्मली उसको कोई हाथ नहीं लगाता और वो उसको ही दिया जाता है कि हाँ ठीक है ये तुम्हारा है। और चलिए वो जो पैसा आता है उसमें तो चलो परिवार फिर भी ले लेता है, या ये कहिए कि जो खर्चे होते हैं उसकी वजह से उनको ले लेता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि कोई भी ये जो गहने होते हैं गहने वापस ले ले? गहने वापस नहीं लेता है। हाँ कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ की उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, यानी कि वो ज़्यादा गरीब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि गहने चढ़ाते हैं, और गहने चढ़ाने के बाद में अगर उनके 2 या 3 बेटे होते हैं तो उन्हीं गहनों से 2 या 3 बहुएं सारी सारी ब्याह कर ले आते हैं। लेकिन उसके बाद में भी वो जो गहने होते हैं वो उन बहुओं के ही होते हैं, और ईमानदारी से अगर वो काम लिया जाए तो वो गहने भी उन तीनों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे आप कह सकते हो कि जो गहने हैं वो आपके हैं? यानी वो तो सीधे सीधे देखा जाए तो स्त्री धन होने के नाते वो सपना के बनते हैं। तो यहाँ सरासर जो है गलत बात जो है उनके ससुर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इस उम्र में आके उनको ये सब शिक्षा देने की जरूरत है कि वो जानते हैं या नहीं जानते। वो डेफिनेटली इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या मन क्या कहता है उनका कि नहीं देना, नहीं देना और नहीं देना। और देखिए बात क्लियर कट बोलते हैं कि वे ये कहते हैं कि तू रिकॉर्डिंग कर रही है क्या, ये रिकॉर्डिंग पे है? तो साफ साफ कहती है हाँ रिकॉर्डिंग पे, अगर आपको कुछ बात कहनी है तो अनकट ये ऐसे ही रहेगा,
आप अपनी बात बोल सकते हैं, आपको पूरा हक है बोलने का, लेकिन तब भी उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली। या ये कहिए फ़ोन पे वो ये सब चीज़ें करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने जो उतनी ही बात करी कि जितनी की वो बात की जा रही, ना उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया ठीक से और ना ही जो है अपनी तरफ से कोई सवाल किया। अब ये दूसरी क्लिपिंग सुनिए जरा। तेरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ले ले और जो तेरे कागज वो ले ले, गोल्ड तो तेरा नहीं है। हाँ, तो मेरी बच्चों का, हाँ वो मैं देख लूंगी किसका है क्या नहीं है, और मेरी बच्चों का हक चाहिए मेरे को बस, बाकी आपका जो है, हाँ, हाँ, आपका है वो आप रखना, मेरे को आपका तो कुछ चाहिए भी नहीं। आप अपना जो आपके नाम से खुद ने खरीदी है आपकी, वो हाँ, और जो आपने अभी कहा था ना कि वो मेरा प्लॉट ले रहा हूँ बच्चों के नाम से, नहीं वो पूरा आपका ही है, वो जिसको आप देना चाहें, जो आपके प्लान है आपने सोच रखे हैं वो आपको रखनी है, मेरे को नहीं चाहिए बच्चों के लिए। वो भी पापा जी, वो भी मन में नहीं है, वो चीजें आ रही है मेरे पास, वो भी चीजें आ रही है मेरी, क्या प्लान है आपके, वो सारी चीजें मेरे पास क्या क्या आ रही है वो बस मेरा, मेरे को चाहिए। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तेरे अंदर तो विश्वास डाल नहीं, नहीं मुझे चाहिए भी नहीं, विश्वास लायक चीजें भी की जाती है ना, वो है नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मेरे पे नहीं है, सुनो मेरे पे नहीं है, मेरे को आपको नहीं है, एक तरफ ये करिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं मुझे तो आधा चाहिए ना, अपना आपका नहीं चाहिए आपका, तो मैं अभी क्लियर ही तो बोल रही हूँ। देखिए पहली रिकॉर्डिंग तो आपने साफ साफ सुन ली, उसमें तो क्लियर कट उसने बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। अब ये दूसरी रिकॉर्डिंग में खास बात ये है कि बच्चों के नाम से वो देने को तैयार हो गए कि ठीक है भाई बच्चों का जो हक है वो मैं दूंगा, मैं कब उसका मना कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कब देंगे वो पता नहीं है। यानी वो ये कह रहा है कि मैं जीते जी जो है उनका हक नहीं मारूंगा और उसके बाद में सारी इनकी हो जाएगी। वो तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ बच्चों के लिए बात करने को तैयार हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए वो मानने को तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये ठीक है, सपना अपने तरीके से उनसे बात कर रही है, देखिए जो भी बात होती है वो बात से निपटती है, सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी और इन सब चीज़ों से नहीं निपटती, पहले आपको हमेशा बात करनी चाहिए। इसलिए सपना ने बहुत सोच समझ के और अच्छी पहल करी कि चलो मैं बात करती हूँ कि वो क्या कहते हैं, हो सकता है 2 या 3 दिन में उनका मन बदल गया हो या उन्होंने आईना देख लिया हो और उन्हें लग गया हो कि उनकी क्या गलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहला स्टेप तो सपना का यहाँ पर बिल्कुल सही था। लीगली देखा जाए तो जितनी भी जो इनके हस्बैंड हैं, हस्बैंड ने जितनी भी प्रॉपर्टी कमाई थी या जो भी कुछ कमाया था उससे जो भी कुछ बनाया था उस पर सपना और सपना के बच्चों का 101% हक बनता है। और लीगली जो इनके पापा हैं यानी कि ससुर हैं, उन्होंने खुद जो कमाया है तो उसके ऊपर उनका ही हक बनता है, वो चाहें तो वो दें और चाहें तो ना दें या किसी को भी दे दें, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर्टी कॉमन है, कॉमन से मेरा मतलब है जो इनकी दादा लाई प्रॉपर्टी है, यानी कि वो पहले से चली आ रही है, वो इनके दादा से इनके पिता को मिली है, पिता के पास आज की डेट में है, और अगर इनके बेटे होते तो उनको अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता। अब क्योंकि दोनों बेटे नहीं रहे तो बेटे नहीं रहने के बाद में क्या होता है कि फिर जो औलाद होती है यानी कि जो बच्चे होते हैं वो उनके नाम आती है। आज की डेट में हिंदुस्तान का जो कानून है वो लड़का और लड़की में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रश्न वाली बात ही नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है अगर लीगल वे में देखी जाए तो इन दोनों बच्चियों के नाम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, ख़ास तौर से जो दादा लाई प्रॉपर्टी है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जो बाप ने कमाया, बाप ने मीन्स दोनों बच्चियों के पिता ने कमाया था, वो सारी इनका बनता ही है, इनका हक बनता है। और गहने की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भी गहने किसके होने चाहिए, गहने तो सपना के ही होने चाहिए। तो ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है। अब देखने वाली बात ये है कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सेंसिबल बनेंगे और इनको सब चीज़ें देंगे या फिर नहीं देंगे, जाकर कोर्ट कचहरी और ये सभी करना पड़ेगा। मामला पूरी तरीके से देखा जाए तो इनके घर का है, इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या हो सकता है और क्या पहलू होते हैं हमने सिर्फ उस चीज़ की चर्चा करी है। और देखिए बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि तूने भी तो घर ले लिया है, मतलब उसने 3 दिन के बिल्कुल जूता घिसाई है कि चप्पल घिसने के बाद में उसको एक घर नसीब हुआ है और वो भी रेंट पर नसीब हुआ है, तो उसके ऊपर भी ये कह रहे हैं कि तूने तो घर ले लिया। और दूसरी बात, इस बात से कोई संबंध नहीं है, अगर सपना के पास में पैसे हैं और उसके बाद में अगर वो घर लेती है तो इस पर उनका कोई ना तो ऑब्जेक्शन बनता है ना अधिकार बनता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं बातों को सपना जो है फिर अपनी वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से उसका क्या हक बनता है। वो ये कह रही है कि जिस तरह से मैंने इतना जो पैसा कमाया था उसके बाद मैंने जो अपने नाम पे प्लॉट लिए थे फिर उसके बाद वो बेच दिए गए और वो मथुरा वाले घर में जो है उसका खर्चा लगा लिया गया, तो मुझे तो मैंने जो कमाया था मुझे वो चाहिए और ये जायज़ भी बनता है। तो वो वही चीज़ मांग रही है जो कि उसने अभी तक जो है तो फिर खर्च करी है, या फिर ये कहिए कि उसने उनको दिया है, या फिर ये कहिए कि जो उसके हस्बैंड का है। तो सपना यही बात कह रही है कि भाई मुझे तो सिर्फ जो ना अगर बच्चों का भी हक चाहिए तो जीते जी चाहिए, ये नहीं कि भाई मेरे मरने के बाद में भी सारा का सारा तुम्हारा होगा। और वो
बिल्कुल भी जो उसका घर है शिवपुरी वाला, उस पर बिल्कुल भी अपना दावा नहीं कर रही है, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ये नहीं कह रही कि मुझे ये चाहिए, ना ही वो दादालाई प्रॉपर्टी के बारे में अभी कोई बात कर रही है। और इसके बाद में सपना ने बताया कि इनका फ़ोन उसके बाद में भी आया था, और इस बार जो फ़ोन आया था वो वीडियो कॉल आया था, और वो बच्चों से बात करना चाहते थे। अब देखिए बच्चों से क्या बात हुई वो मैं शॉर्ट में क्लिपिंग लगा देता हूँ, क्योंकि क्लिपिंग लंबी है, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं हुई है। और बच्चे क्योंकि बेसिकली क्या है, बच्चे छोटे हैं तो वीडियो कॉल पे इतनी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आपने ये वाली वीडियो क्लिपिंग भी देख ली, इसमें जो बार 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 दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है थोड़े से अपसेट हैं और वो थोड़ा सा रो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली तरीके से बात नहीं कर रहे। और उसमें सपना पूरी तरीके से उन्हें कोऑपरेट कर रही है, उनको नमस्ते करने के लिए बोल रही है, हाथ जोड़ के नमस्ते करने के लिए बोल रही है, उनको फ्लाइंग किस देने के लिए बोल रही है। तो इस तरीके से सपना ने अपना एक बहुत ही अच्छा जो गुड जेस्चर होता है वो दिखाया है, और उसने यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि भाई ठीक है उसके दादा दादी हैं और उन्होंने गलत किया है तो इनको भी गलत बोलना चाहिए। भाई बच्चों को तो आपने अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, कभी भी इस तरह की बातें बतानी ही नहीं है कि भाई अपने बड़ों की बेअदबी करो या अपने बड़ों के बारे में कोई बुरा बोलो, ये तो इस सपना की एक अच्छी बात है। बाकी दोनों ने जो बात करने की कोशिश करी उसमें जो इनकी सास है उन्होंने ज़्यादा बात करने की कोशिश करी, बाप जो थे मतलब ससुर जो थे वो यही कहते हुए दिखाई दिए ज़्यादा तो कि भाई बच्चे सो रहे हैं या फिर बाद में फ़ोन करेंगे, अभी ये बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी ये फ़ोन को ही देखे जा रहे हैं, ये हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में भी उनकी सास है उसने फिर भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो दोनों बच्चे प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाए। एक को तो नींद आ रही थी तो डेफिनेटली वो सोया हुआ था, तो सोने के बाद में बच्चा कहाँ बात करते हैं, ख़ास तौर से इस तरह से वीडियो कॉल पर या किसी पर। अच्छा इसके बाद में सपना ने जो ना थैंक्स बोला सब लोगों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हालत उसकी ठीक नहीं है, इस समय मेंटल प्रेशर उसके पास में बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो कुछ अच्छे बोल सुनती है किसी के भी कमेंट्स देखती है तो उसको लगता है कि हाँ चलो मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने आप को संभाल लूँगी, अब मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगी और अब इन जो प्रॉब्लम है इनको मैं देख लूँगी या इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगी नहीं। भाई सोचने वाली बात यह है ना, उसके पास में एक तरह से देखा जाए तो रात को जब सोती है तो वो अकेली होती है, और उस समय क्या थाट्स होते हैं, क्या उसके दिमाग में विचार आ रहे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि बेसिकली आपको नींद आ ही नहीं सकती। एक बार जब दिमाग में ये सब बातें चलने शुरू हो जाती है तो नींद नहीं आती, और उसको तो वैसे अपने आप को जो संभाल के रखना है, और डेफिनेटली उसको जो नेक्स्ट डे और ये सब है उनका तैयारी करनी है। वो बार बार पूछ भी रहे थे, बेटा स्कूल गया था, बेटा स्कूल गई थी, लेकिन फिर सपना ने जो उसको कहलवाया कि नहीं अभी एडमिशन नहीं हो पाया, अभी एडमिशन होगा तब जाएंगे। तो एक नॉर्मल वीडियो कॉल थी जिसमें कि उन्होंने बात किया। सपना ने ये भी कहा कि आप फ़ोन कर लिया करें, आपको जब भी बात करनी हो आप कभी भी इन बच्चों से बात कर सकते हैं, यानी उसने पूरी तरीके से लिबर्टी दी कि भाई अगर ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे हैं, तो आप इनसे जब चाहें तब इनसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब आपका मन करे तब आप बात कीजिए। सपना ने वो वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया जो कि इन लोगों ने दिखाया कि नहीं अंशु यहाँ नहीं रहेगी, अंशु तो जाएगी यहाँ से और अंशु को इसके पास नहीं छोड़ेंगे, और इस तरीके से सबसे पहले वहाँ से अंशु को भेजा। तो ये एटीट्यूड एटलीस्ट जो है सपना ने नहीं दिखाया कि नहीं मैं इन बच्चों से बात नहीं करने दूंगी, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है तो मैं बच्चों से बात क्यों करने दूं, आपने जब सोचा ही नहीं इन बच्चों के बारे में, मेरे बारे में नहीं सोचा, किसी तरह के हमारे आराम के बारे में नहीं सोचा, कहाँ जाएंगे किस दर दर भटकेंगे ये सब नहीं सोचा, तो फिर मैं कैसे आपके लिए सोचूं। तो ऐसा कोई भी विचार उसने नहीं किया जो नॉर्मली सामान्य रूप से जो लेडीज़ होती हैं या घर से इस तरह से बाहर निकाल दी जाती हैं या फिर ये कहिए कि छोड़ना पड़ता है उनको घर, वो नॉर्मली उनका एटीट्यूड इस तरह का रहता है, पर यहाँ पूरी मैच्योरिटी दिखाते हुए पूरी समझदारी दिखाते हुए उसने इस बात को कहा कि नहीं आप जब चाहें तब इन बच्चों से मिल सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ उसने उन लोगों के बारे में भी बात करी जो सॉफ्ट तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सास ससुर का पक्ष क्या है और तुम अपना अपना पक्ष रखती हो तो उनका नहीं है, तो वो ये कह रही है कि ये जो कहते हैं मेरे को लोग कि मैं हमेशा उनको बुरा दिखाती हूँ बुरा दिखाती हूँ बुरा दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने उनको कभी भी बुरा नहीं दिखाया, जब वो बुरा कर रहे थे तब भी मैंने उनको बुरा नहीं दिखाया, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे को हालत मेरी बुरी हो गई, मानसिक स्थिति मेरी ठीक नहीं चल रही थी, तो ऐसे
में मैंने फिर जो है अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग करी और वो रिकॉर्डिंग बाहर। इस तरह से आप देखेंगे तो ये वो कहीं पे भी गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ वो अपना पक्ष भी रख रही है कि भाई मैं रिकॉर्डिंग बाहर लाई। और उनकी कोई अच्छी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है तो हमेशा मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने अगर बच्चों से बात करनी चाहिए तो हमने बच्चों से बात करनी सिखाई, और उसके अलावा उनको पूरा मौका दिया कि वो चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रही थी, मैंने उनको पूरा मौका दिया, आप चाहें जैसे चाहें अपना पक्ष रख सकते हैं, सबको बता सकते हैं, और ये बिना कट के मैं इसको अपलोड करूँगी। तो ये था इसका छोटा सा डेवलपमेंट जो कि उसने दो फ़ोन को कॉल्स की दे रहे हमें सारी बात बताई। बट इन सबसे लग रहा है कि ये मामला किसी भी तरीके से सुलझने वाला नहीं है। वो अपने स्टैंड पे बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हैं, मतलब वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। इधर सपना को भी अब थोड़ा सा जब स्टेबल हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको इस बात का ख्याल आएगा कि वो क्या छोड़ आई है और उसका क्या चाहिए था जो कि उसको नहीं मिला है। तो इसलिए डेफिनेटली अब वो इससे पहले बातें करेगी और डेफिनेटली बात ही करनी चाहिए। और जब बातों में वो अपने कामयाब नहीं होगी तब वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेगी इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मजबूर किया जाएगा तो डेफिनेटली वो एक्शन भी लेगी, क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए देखना है। तो चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।